तो दोस्तों राज टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो टेक वीडियो है वो है सैमसंग गैलेक्सी M31 के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M31। तो दोस्तों ये जो वीडियो होने वाला है ये एक डिटेल रिव्यू का वीडियो होने वाला है, आप लोग बोल सकते हो, एक ओनरशिप रिव्यू भी बोल सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ क्या था मेरा एक्सपीरियंस, जो सैमसंग M31 का जो एक्सपीरियंस वो कैसा था मेरे लिए, और मैं आप लोग को भी ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा। तो दोस्तों वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। जो लोग भी ये जो सैमसंग का जो M31 फ़ोन खरीदना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहे, और जिन लोग ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सैमसंग का जो M31 है ये जो फ़ोन है आप लोग बोल सकते हो एक अच्छा पैकेज के साथ ये आप लोग को मिल रहा है। जी दोस्तों, एक अच्छा पैकेज आप लोग इस फ़ोन को बोल सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस है बोल रहा हूँ, क्योंकि एक महीने से मैं ये फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और इस फ़ोन का जो प्रोज और कॉन्स है ये मेरे को अच्छी तरह से पता है। तो दोस्तों ये जो फ़ोन है आप लोग बोल सकते हो वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन अंडर 20,000। जी हाँ दोस्तों, 20,000 के अंदर ये जो फ़ोन है आप लोग को काफ़ी अच्छा ये जो फ़ोन है मिलने को मिल रहा है। तो दोस्तों GST की वजह से इसका जो प्राइसिंग है इसमें थोड़ा फ़र्क तो पड़ा है। इसका जो बेस वेरियंट है ये 6GB और 64GB, इसका जो प्राइस अभी है मार्केट पर वो है 17,000 रुपीज़, और जो टॉप वेरिएंट है 128GB और 6GB का, इसका जो मार्केट प्राइस अभी है वो है 18,000 रुपीज़। तो दोस्तों जो पहली जो बात है इस फ़ोन में सबसे अच्छा लगा मेरे को ये है इसका जो बैटरी। तो दोस्तों इसका जो बैटरी है वो है 6000mAh का बैटरी, लेकिन दोस्तों बैटरी इतना ज़्यादा होने से भी इस फ़ोन का जो वेट है सिर्फ 191 ग्राम है, और जो थिकनेस है वो है 8.8mm। जी हाँ दोस्तों, 8.8mm। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि ये जो फ़ोन है काफ़ी लाइट वेट है और थिकनेस भी काफ़ी सही है। और जो दूसरी चीज़ मेरे को सबसे अच्छा लगा ये है इसका जो बिल्ड क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, 20,000 के अंदर इतना अच्छा बिल्ड क्वालिटी मेरे को दूसरे फ़ोन में देखने को नहीं मिला। इसमें आप लोग को गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ आप लोग को जो प्रोटेक्शन है वो गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसका जो बैक है वो है पॉलीकार्बोनेट, जो सैमसंग यूज़ करता है अपना बजट फ़ोन में पॉलीकार्बोनेट का जो बैक है आप लोग को मिल रहा है, जो कि ग्लॉसी फिनिश आप लोग को देखने को मिल रहा है। और इसमें आप लोग को दो कलर कॉम्बिनेशन में देखने को मिल रहा है, ब्लैक और ब्लू के साथ ये फ़ोन आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। इसमें आप लोग को दोस्तों 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, सुपर एमोलेड डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा कंपनी अभी जो मार्केट पे 20,000 के अंदर जो फ़ोन है इसमें आप लोग को IPS और LCD डिस्प्ले दे रहा है, लेकिन रिफ्रेश रेट ज़्यादा है। तो दोस्तों रिफ्रेश रेट ज़्यादा होने से भी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो है काफ़ी लो है, क्योंकि IPS और LCD डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा नहीं होता, जो पिक्चर्स है डिस्प्ले का वो अच्छा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों इस फ़ोन में आप लोग को सुपर एमोलेड देखने को सुपर एमोलेड जो डिस्प्ले है वो देखने को मिला है। इस फील्ड में जो डिस्प्ले के फील्ड में जो सभी जो भी दूसरा जो स्मार्टफोन है उससे सैमसंग M31 ने बाजी मार लिया। जी हाँ दोस्तों, बाजी मार ली, क्योंकि दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये एक सुपर एमोलेड टच स्क्रीन के साथ ये डिस्प्ले आप लोग को मिल रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं चिपसेट के बारे में। इसमें आप लोग को सैमसंग का जो प्रोसेसर है वही देखने को मिला, Exynos 9611, ये प्रोसेसर आप लोग को इस फ़ोन में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, ये नहीं जिससे स्नैपड्रैगन अच्छा है ये बुरा है, ये कोई भी इशू नहीं है दोस्तों। ये जो प्रोसेसर है काफ़ी अच्छा है, मैंने PUBG भी खेला था लेकिन कोई भी लैग कोई भी कुछ नहीं प्रॉब्लम इसका इशू नहीं हुआ है। और दोस्तों बात करते हैं बैटरी के बारे में। इसमें आप लोग को 6000mAh का बैटरी आप लोग को इस फ़ोन में मिला, और क्या बताओ दोस्तों 6000mAh का बैटरी और 15W का चार्जर भी आप लोग को इसके साथ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों 6000mAh जो बैटरी है ये मतलब काफ़ी अच्छा है, ये नहीं कि बुरा है। तो दोस्तों
पबजी गेम या कोई भी हाई जो क्वालिटी गेम है वो खेलने से फ़ोन हीट होता है, लगभग सभी फ़ोन ही हीट होता है। लेकिन दोस्तों जब भी फ़ोन ओवर हीटिंग होता है तब भी आप लोग समझ जाए कि ये इस फ़ोन में कोई ख़राबी ज़रूर है। लेकिन दोस्तों इस फ़ोन में कोई भी डिफ़ॉल्ट कोई भी ख़राबी नहीं है, क्योंकि मैंने पबजी काफ़ी अच्छी तरह से काफ़ी स्मूथली इस फ़ोन में खेला हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं कैमरा के बारे में। इसमें आप लोग को रियर में 64 MP का कैमरा जो फर्स्ट लेंस है देखने को मिला है, जो दूसरा है वो है 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस, और जो थर्ड है वो है 5 MP का मैक्रो, और जो फोर्थ है वो है 5 MP का डेप्थ। तो दोस्तों अभी मार्केट में 20,000 के अंदर लगभग सभी फ़ोन 2 MP का मैक्रो और 2 MP का डेप्थ का लेंस दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों इस फ़ोन में आप लोग को 5 MP का डेप्थ और 5 MP का जो मैक्रो लेंस दिया हुआ है, ये मेरे को काफ़ी सही लगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा ये भी एक फीचर्स बोल सकते हो इस फ़ोन में। तो दोस्तों बात करते हैं रियर में, मेरे को एक अच्छा चीज़ लगा जो कैमरा में फीचर्स मिलता है वो है LED फ्लैश लाइट, मतलब LED का जो फ्लैश लाइट का पावर है वो भी काफ़ी अच्छा है। पेनोरामा और HDR क्वालिटी जो फोटो HDR क्वालिटी का जो फोटो है वो भी काफ़ी सही है। और इस फ़ोन में आप लोग को जो रियर में जो फोटो जो फोन वीडियो क्वालिटी है वो आप लोग को 4K वीडियो आप लोग कर सकते हो। तो दोस्तों ये मैं 2 या 3 जो फोटो का सैंपल है मैं आप लोग को मैं दे दूंगा वीडियो पर। तो दोस्तों बात करते हैं सेल्फी के बारे में। इसमें आप लोग को 32 MP का वाइड जो सेल्फी है वो देखने को मिल रहा है। सेल्फी का मतलब सेल्फी भी काफ़ी अच्छा मिलेगा आप लोग को, सेल्फी में भी आप लोग को HDR मिलेगा जी दोस्तों, सेल्फी में भी आप लोग को HDR मिलेगा। तो दोस्तों ओवरऑल जो व्यू है इस फ़ोन का काफ़ी सही है, मतलब कोई भी हैकिंग जो हैंग होता है फ़ोन इसका भी कोई इशू नहीं है। और ये जो फ़ोन है काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी के साथ जो ग्लासी फिनिश है वो आप लोग को इस फ़ोन में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों फ़ोन का क्वालिटी तो ओवरऑल काफ़ी सही है। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा जो भी लोग बजट फ़ोन के लिए जा रहे हैं, आप लोग रियलमी और शाओमी पे मत जाइए, आप लोग इस फ़ोन पे जा सकते हो, क्योंकि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है और इसमें आप लोग को जो फीचर्स मिल रहा है काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कैमरा का क्वालिटी मतलब नेक्स्ट लेवल कैमरा का क्वालिटी है। इस ये जो फ़ोन है इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लर होता है इमेज और काफ़ी अच्छा फोकस भी होता है। तो दोस्तों ओवरऑल कैमरा काफ़ी सही है। तो दोस्तों सेल्फी भी काफ़ी सही है। तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैमरा कैसा लगा आप लोग को, कैमरा अच्छा है या नहीं, आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस।